गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डे 5 फॉर अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स सेशन एंड टुडे वी विल बी कवरिंग टॉपिक्स नंबर 81 to 100। तो बिफोर वी स्टार्ट, एक क्लैरिफिकेशन है। कलेक्ट हमने टॉपिक कवर किया था रिगार्डिंग एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार। तो ध्यान से समझिए, ये जो एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार है, इसको इसकी डिजाइन को डेवलप किया है इसरो ने, जबकि इसको मैन्युफैक्चर किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको डेवलप किया है इसरो ने, मैन्युफैक्चर किया है BEL ने। तो कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पोर्टल पे, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो। एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय इसरो। यहीं पर अगर मैन्युफैक्चर्ड होता तो इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन बी, BEL। चलिए अब आज का पहला टॉपिक लेते हैं, इट इज़ रिगार्डिंग वेटलैंड्स। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। तो इस साल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए हैं रामसार कन्वेंशन के। आप देख सकते हैं 1971 से 2021, रामसार एक शहर है ईरान के अंदर। और जो 2021 का रामसार कन्वेंशन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद अ थीम वेटलैंड एंड वाटर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब 50 साल पूरे हो गए हैं रामसार कन्वेंशन के, तो हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक स्पेशल सेंटर बनाया है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। उसको बनाया गया है चेन्नई के अंदर। रामसार कन्वेंशन, जैसा कि आपको पता है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। 1971 में ये इस पे सिग्नेचर होना स्टार्ट हुआ इन रामसार ईरान। एंड इंडिया ने स्टार्टिंग में इसको ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ज्वाइंड इट लेट इन 1982। रामसार कन्वेंशन की जो सेक्रेटेरिएट है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। इंडिया में अभी टोटल 42 रामसार साइट्स हैं। हाल फिलहाल में जो रामसार साइट्स ऐड हुए हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। काबरताल वेटलैंड जो बिहार में है, असन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर या कीथम लेक आगरा में है, सोकर वेटलैंड इज इन लद्दाख। तो ये सब हाल फिलहाल में ऐड हुए, इसलिए इनको ध्यान से देख लेना। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आसाम के अंदर बस एक ही रामसार वेटलैंड है, वो है डिपोर बिल। यहाँ देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो बस 3 हैं, एक है लोकटक लेक इन मणिपुर एंड रुद्र सागर इन त्रिपुरा। तो ध्यान से देख लीजिए, कम से कम नॉर्थ ईस्ट वालों को भी ध्यान से देख लीजिए। रामसार कन्वेंशन साइट्स में कुछ ऐसे भी वेटलैंड्स होते हैं जिनको हाल फिलहाल में दे आर विटनेसिंग ह्यूज चेंज या ह्यूज डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो दोज रामसार साइट्स दैट आर विटनेसिंग चेंज इन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनको एक स्पेशल लिस्ट में रखा जाता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और इंडिया से 2 ही ऐसे रामसार वेटलैंड्स हैं जिनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, वह है लोकटक लेक ऑफ मणिपुर एंड किलियो दियो नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे लोकटक लेक ऑफ मणिपुर और राजस्थान का ये किलियो दियो नेशनल पार्क, दे आर इन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड एज वेल। अगर वेटलैंड कंजर्वेशन की बात की जाए, तो उसके लिए हमारे देश में एक रूल है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। इसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रूल पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर देता है वेटलैंड मैनेजमेंट को। तो पूरा का पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को आ जाता है, किस तरह से वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना है, नोटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, तमाम पावर जो है स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ को चला जाता है। तो इट इज़ अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, देखिए वेटलैंड्स, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि वेटलैंड्स को बोला जाता है किडनी ऑफ अर्थ। उसके अलावा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। रामसार इज ए प्लेस इन ईरान। इंडिया ज्वाइंट इट लेट इन 1982। 2021 का थीम है वेटलैंड एंड वाटर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 50वां साल है रामसार कन्वेंशन का। इस कॉन्टेक्स्ट पे इंडिया ने एक सेंटर भी बनाया है जो कि चेन्नई में है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। उसके अलावा रामसार सेक्रेटेरिएट जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। इंडिया के अंदर टोटल 42 रामसार साइट्स हैं।
जुहाल फिलहाल में है कबरताल इन बिहार, आसान इन उत्तराखंड, लोनार इन महाराष्ट्र, सूर सरोवर या कीतम इन आगरा एंड सोकर इन लद्दाख। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड दोज वेटलैंड दैट आर फेसिंग चेंजेज इन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दो ही हैं, किलियो दियो नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड लोकटक लेक इन मणिपुर। अगर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 की बात की जाए तो इट हैज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वेटलैंड मैनेजमेंट एंड गिवन पावर टू द स्टेट अथॉरिटीज। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 82 इज अबाउट गोवर्धन स्कीम। अब इस स्कीम से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको डायरेक्टली हम देख लेते हैं, जो हमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। दिस स्कीम इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड इट इज़ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन कॉम्पोनेंट दैट टू ऑफ ग्रामीण कॉम्पोनेंट। स्वच्छ भारत मिशन दो कॉम्पोनेंट में चलता है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ये ग्रामीण कॉम्पोनेंट के अंदर ये गोवर्धन स्कीम चलाया जाता है। गोवर्धन स्कीम, इस फिगर को देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जो भी हमारे कैटल्स हैं उनके गोबर को लिया जाएगा, यानी कि उनके जो भी वेस्ट्स हैं उनको लिया जाएगा, उसको बायोगैस जनरेटर्स के अंदर उसको एनएरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाएगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इसको डिकम्पोज किया जाएगा इन हेल्प विथ प्रेजेंस ऑफ सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उससे क्या होगा, मीथेन गैस रिलीज होगा, वो मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर चूल्हे जलाने में, जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, विलेज क्लीनलीनेस भी इंश्योर होगा, लोकल एनर्जी सप्लाई भी मिलेगी, उसके अलावा आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है इस प्रोसेस में जो एनर्जी सप्लाई करेगा। तो इट विल जनरेट वेल्थ एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट एज वेल, गोवर्धन स्कीम। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 83 इज अबाउट सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। ये हाल फिलहाल में न्यूज में था। तो आईटी एक्ट के दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है, इसको लेकर के दो सेक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक है सेक्शन 69A। सेक्शन 69A की मदद से कोई भी डिजिटल कंटेंट को गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, वो ऑर्डर दे सकती हैं डिजिटल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को कि इस कंटेंट को हटा लिया जाए इफ़ दे फील लाइक दिस कंटेंट इज डेंजरस फॉर सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसी सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट का इस्तेमाल करके भारत सरकार ने कई सारे चाइनीज ऐप्स जो इंडिया में चल रहे थे उनको बैन कर दिया है। जैसे आपने सुन रखा होगा टिकटॉक या फिर पबजी, तो ये कई सारे डिजिटल गेम्स या ऐप्स जो इंडिया में चल रहे थे उसको बैन कर दिया गया है। उसके लिए इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो जो बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, आईटी एक्ट 2000 में लाया गया था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे रिलेटेड दो सेक्शन हैं उनको ध्यान रखना है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली डायरेक्ट एंड इंटरमीडियरी, यानी कि डिजिटल मीडिया प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां हैं उनको सरकार डायरेक्ट कर सकती है टू ब्लॉक एनी इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसी को यूज किया गया था टू बैन चाइनीज ऐप्स। उसके अलावा सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। इसके हिसाब से द पुलिस वेयर एम्पावर्ड टू अरेस्ट पीपल फॉर ऑफेंसिव कॉमेंट ऑन डिजिटल मीडिया। तो अगर डिजिटल मीडिया पे अगर आप कुछ भी ऑफेंसिव कॉमेंट लिखते हैं तो आप अरेस्ट हो सकते हैं अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। ये जो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट है इसको चैलेंज किया गया था श्रेया सिंगल केस में इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा दिया। आई होप आपको अब याद आ गया होगा कैसे मुंबई के अंदर बाला साहब ठाकरे जी के डेथ के बाद पूरा बंद करा दिया गया था मुंबई को। फिर दो गर्ल्स रेनू श्रीनिवासन और शाहीन दादा, इन लोगों ने कुछ फेसबुक पे लिख दिया था उसके खिलाफ कि ये तो गुंडागर्दी है, फिर उनके खिलाफ सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट लगा दिया गया था। तो फिर उसके खिलाफ ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। कह रही ये ऐसे कैसे आप किसी भी बात पे लोगों को जेल भेज सकते हैं अगर किसी ने कुछ फेसबुक पे लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट बहुत ज़्यादा ही लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और इसके लिए सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन श्रेया सिंगल केस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे, इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, फिर आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 84 इज अबाउट स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक इंटरनेशनल काउंसिल है, 10 देशों ने मिलकर के ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इंटरनेशनल काउंसिल बनाया है। वो 10 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना,
इंपॉर्टेंट है, इंडिया भी इसका हिस्सा है, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड्स एंड यूके, ध्यान रखना। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी 10 देशों की काउंसिल है जिसमें इंडिया भी है, इसका हेडक्वार्टर यूके में है और फोकस रहेगा कि एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी वाला ऑब्जर्वेटरी बनाया जाए। तो ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे सोल कॉस्मिक बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व करें हम बैठे बैठे, तो उसके लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके का एक चीज़ हो सकता है रेडियो ऑब्जर्वेटरी, मतलब रेडियो वेव जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जनरेट हो रहे हैं उनको कैच करके हम समझ सकें कि पूरे दुनिया में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, यूनिवर्स में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो रेडियो ऑब्जर्वेटरी बनाने की प्लानिंग चल रही है अंडर दिस काउंसिल, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। रेडियो ऑब्जर्वेटरी समझना है तो याद करो मूवी कोई मिल गया, वो लोग वही दिखाया है उस मूवी में कि वो रेडियो वेव्स को कैच कर रहे हैं, राइट। तो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, ये काउंसिल है 10 देशों की, हेडक्वार्टर यूके में है, फोकस रहेगा टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जिससे रेडियो वेव्स को कैप्चर किया जाए और दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में समझा जाए। 10 कंट्री हैं, इंडिया इसका मेंबर है। एक बात और आपको समझनी है कि ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी बन रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ऑब्जर्वेटरी होगा। इसके पहले ऑलरेडी एक रेडियो ऑब्जर्वेटरी था जिसका नाम था एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप, दैट वाज इन प्यूर्टो रिको। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप हुआ करता था, बट 1963 में इसको बनाया गया था लेकिन पिछले साल दिसंबर में 2020 दिसंबर में ये कोलैप्स कर गया। तो अब एरेसीबो फंक्शनल नहीं है। अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी, रेडियो ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी बनाया जाएगा। अभी कहाँ बनाया जाएगा ये क्लियर नहीं है, या तो अफ्रीका में बनाया जाएगा नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो बनाया नहीं गया है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई गई है, बस काउंसिल बनी है जिसमें फैसला हो रहा है कि कहाँ बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। इसके पहले जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी था एरेसीबो वो अब ख़त्म हो गया। इस वीडियो को पॉज करें, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 85 इज़ अबाउट फंड टू कंजर्व मजूली, 3-स्टार टॉपिक है। तो मजूली वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इसके एरिया को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कि मैंने एक गवर्नमेंट वेबसाइट से, असम गवर्नमेंट की वेबसाइट से इसका एरिया लिया है 515 स्क्वायर किलोमीटर। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्लेम करें कि नहीं सर यहाँ पे दिया है 450, कहीं दिया है 880, तो इस एरिया लगातार चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इरोजन, इसलिए इसको लेकर के डिस्प्यूट है और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आएगा क्योंकि हर दिन ही थोड़ा बहुत एरिया घट ही रहा है। तो अगर मजूली आइलैंड की बात की जाती है, रिवराइन आइलैंड है, कैसे बनता है तो ध्यान से देखिए। एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी से एक चैनल निकलता है जिसका नाम है खरकुटिया, तो यहाँ से खरकुटिया चैनल निकलता है, ऊपर से सुबनसिरी नदी आती है और फिर ये मिल करके बीच में मजूली आइलैंड बना देते हैं। तो यहाँ पे है खरकुटिया, ये ब्रह्मपुत्र, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी या चैनल कहिए खरकुटिया, खरकुटिया शूटी और ऊपर से सुबनसिरी, ये मिल करके इन्होंने बना दिया मजूली आइलैंड। मजूली धीरे धीरे इरोड हो रहा है, माना जा रहा है कि एक वक्त इसका एरिया लगभग 1200 या 1300 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, अब घट करके हार्डली 500 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है और अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो 2040 तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, 15th फाइनेंस कमीशन ने इस साल 1075 करोड़ रुपये अलॉट कराए हैं मजूली के आसपास में रोड एम्बैंकमेंट्स बनवाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनवाए जाएंगे विथ हेल्प ऑफ दिस 1075 करोड़, जिसकी मदद से फ्यूचर में इरोजन ना हो मजूली का। तो जो बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, मजूली गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसका नाम आया था ऑन 1 सितंबर 2016 बिकॉज मजूली वाज डिक्लेयर्ड एज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो गिनीस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से ये दिट इज ऑफ लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बनता है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी खरकुटिया और ऊपर से सुबनसिरी। कौन कौन से ट्राइब्स हैं, तो मिसिंग, देवरी, सोनोवाल, कसारी। नियो वेसोनाइट कल्चर है यहाँ पे, आप तो जानते ही होंगे सबसे डोमिनेंट कल्चर है। डिक्लेयर्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट इन 2016, इसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2004, लेकिन अभी तक ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन इसके लिए 1075 करोड़ अलॉट करवाए हैं टू डेवलप एम्बैंकमेंट कम रोड अलॉन्ग मजूली।
वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 86 इज अबाउट राइट टू इंटरनेट। तो हमारे देश में इंटरनेट शटडाउन बार बार कर दिया जाता है, सरकार बार बार इंटरनेट को बंद करा देती है, इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। अब पूरा एनालिसिस तो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट हमें मिलता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, राइट टू लाइफ। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग हमारे देश की हाई कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करके राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे नए नए राइट्स ऐड किए हैं, तो उन्हीं को समझना है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, इसको इंटरप्रेट करके या इसकी ओवरऑल एम्बिट को एक्सपेंड करते हुए राइट टू इंटरनेट ऐड कर दिया गया इन फाहिमा सीरीन केस 2019। दिस वॉज एडेड बाई केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आज के ज़माने में अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो उसको राइट टू इंटरनेट चाहिए, तो ये राइट टू एजुकेशन का भी हिस्सा हो जाता है। उसके अलावा इंटरनेट उसके राइट टू प्राइवेसी का भी हिस्सा हो जाता है। तो इन राइट टू इंटरनेट अकॉर्डिंग टू केरला हाई कोर्ट इन फाहिमा सीरीन केस इज पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। तो ध्यान से समझिए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को ऑलरेडी एक्सपैंड करते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी अपने आप आता है, और फिर राइट टू प्राइवेसी के अंदर राइट टू इंटरनेट आता है, ऐसा कहा केरला हाई कोर्ट ने इन फाहिमा सीरीन केस। और इसके साथ ही साथ राइट टू लाइफ के एक्सपेंशन में राइट टू प्राइवेसी भी आ गया, राइट टू इंटरनेट भी आ गया। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ च्वाइस, हरिया केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो अगर ध्यान से समझिए तो राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन हुआ राइट टू प्राइवेसी इन पुट्टा स्वामी केस ऑफ 2017, और राइट टू प्राइवेसी को फर्दर एक्सटेंड करते हुए राइट टू इंटरनेट इन फाहिम सीरीन केस केरला हाई कोर्ट, और राइट टू मैरी पर्सन ऑफ ए च्वाइस इन हरिया केस बाई सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 87, थ्री स्टार टॉपिक, आसाम चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम। तो ये स्कीम आसाम सरकार 3 सालों से चला रही है, 2017-18 में लॉन्च किया गया था। तो जो भी टी ट्राइब्स के लोग हैं उनके अकाउंट में एक बार पैसा जमा करती है आसाम सरकार उनके वेलफेयर के लिए। तो 2017-18 में 2,500 रुपये जमा किए गए थे, फिर 2018-19 में लगभग 2,500 फिर से जमा किए गए, और इस साल वापस से ये आसाम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम का फेज 3 लॉन्च किया गया गुवाहाटी में। उस टाइम में आप देख सकते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं के ओवरऑल देखरेख में ये स्कीम तीसरा इसका फेज लॉन्च हुआ। इस बार पैसे को बढ़ा दिया गया है अमाउंट को, और 3,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं इन अबाउट 7.5 लाख बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी। तो एक बार पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है वो समझिए, आसाम चाह बागीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम 2017-18 से ही स्टार्ट हो गया है। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए कि वन शुड बी रेजिडेंट ऑफ आसाम एंड हु वर्क ऑन द टी गार्डन्स, या फिर विमेन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। ये दो कैटेगरी के लोग लिख सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि सर मुझे आसाम चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलने वाला है वो हमें हमारे अकाउंट में दिया जाए। तो आपको फॉर्म सबमिट करना हो तो उसमें अकाउंट नंबर लिखना होता है, सरकार एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। इस साल जो फेज थ्री में बेनिफिट है वो 3,000 रुपये का है, लगभग 7.5 लाख बैंक अकाउंट्स में पैसे डाले जाएंगे। उसके अलावा जब टी ट्राइब की बात चली है तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से दुलाल मांकी ही बिलोंग्ड टू टी ट्राइब कम्युनिटी ऑफ असम, उनको इस साल 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो टी ट्राइब से रिलेटेड इनका नाम हो सकता है आ जाए पीटी में। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 88, अगेन थ्री स्टार टॉपिक, आसाम माला प्रोजेक्ट। तो देखिए, इस साल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार आसाम का विजिट किया, तो उसी दौरान देखिया जूली को विजिट किया उन्होंने, दैट इज इन सोनितपुर ऑन 7 फरवरी 2021, और वहाँ पे उन्होंने आसाम माला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। आसाम माला प्रोजेक्ट रिगार्डिंग रोडवेज इन आसाम, तो जिस तरह से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ओवरऑल भारत माला प्रोजेक्ट है, आसाम के अंदर उन्होंने उसी लाइन में स्टार्ट कर दिया
आसाम माला प्रोजेक्ट। आसाम माला प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें की जाएंगी? स्टेट हाईवेज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बिल्ड किया जाएगा, उसके अलावा जो नेशनल हाईवेज हैं उनको रूरल रोड्स से कनेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स भी लाए जाएंगे। मल्टी मॉडल जैसे ट्रेन भी चल रही है साथ में नीचे रोड भी है, या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगहों पर लाए जाएंगे, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाया गया, रैम्स का सिस्टम। उसमें कैसा है कि पूरे आसाम के अलग अलग रोड्स का डाटा कलेक्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, कि कहाँ पे किस तरह की क्वालिटी है, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगा, रोड ख़राब हो रही होगी, उसको उसी हिसाब से फिर रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसको उसी हिसाब से फिर मेंटेन किया जाएगा। तो रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ फॉर रोड मेंटेनेंस, ये नया रोड बनाने के लिए नहीं है, ये जो रोड बन चुके हैं उनको मेंटेन करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में डाटा रखा जाएगा। तो पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, आसाम माला प्रोजेक्ट देखिया जुली सोनितपुर से लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 फरवरी 2021 को। फोकस होगा स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को इम्प्रूव करना, नेशनल हाईवे से विलेज रोड्स को कनेक्ट करना, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट्स लाना, और रोड मेंटेनेंस के लिए रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लेकर के आना। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 89 इज अबाउट उत्तराखंड डिजास्टर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो एपीएससी में भी शायद से पूछ ले। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड मतलब एकाएक से पानी भर जाना किसी एक एरिया में, उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। और उत्तराखंड का जो रेनी विलेज है, देखिए यहाँ रेनी विलेज ऋषि गंगा नदी के किनारे है, रेनी विलेज इन चामोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे फ्लैश फ्लड आया था, एकाएक से पानी भर गया। क्यों ये फ्लैश फ्लड आया था? क्योंकि ये जो नदी है ऋषि गंगा नदी, इसके पास में है नंदा देवी हिल्स, और नंदा देवी हिल्स एक ग्लेशियर टूट करके इस ऋषि गंगा रिवर में गिर गया था, और ऋषि गंगा रिवर में एक ग्लेशियर टूट करके जब गिरा तो एकाएक से ऋषि गंगा का पानी ऊपर आ गया और आसपास के विलेजेज रेनी विलेज में फ्लड आ गया, फ्लैश फ्लड। अब आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो ध्यान से समझिए, पहले तो ये मैपिंग देख लीजिए अच्छे से, ये मैपिंग से अपने आप में सवाल बन सकता है। चार इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है अलकनंदा नदी, केदारनाथ से स्टार्ट होती है मंदाकिनी नदी, गंगोत्री से स्टार्ट होती है भागीरथी नदी, और यमुनोत्री से स्टार्ट होती है यमुना नदी। ये जो बद्रीनाथ से स्टार्ट हो रही है अलकनंदा, इसको लेफ्ट हैंड साइड से आकर के मिलती है धौली गंगा, और जहाँ पे ये इसको मिलती है धौली गंगा को उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। इसको बार 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 अपने नोटबुक पे बना करके रट लेना, बद्रीनाथ और धौली गंगा जहाँ मिलती है विष्णुप्रयाग, फिर अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वो है विष्णुप्रयाग, फिर अलकनंदा आगे चलती है और अलकनंदा से आकर के मिलती है नंदाकिनी नदी, और इस जगह का नाम हो जाता है नंदप्रयाग, फिर अलकनंदा आगे चलती है और यहाँ पे आकर के इसको मिलती है पिंडार गंगा, और इस जगह को कहा जाता है कर्णप्रयाग। ये तीनों तो फिर भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये अलकनंदा नदी आकर के मंदाकिनी से मिलती है इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, और फिर जब ये अलकनंदा नदी आकर के यहाँ पे भागीरथी से मिलती है तो इस जगह को कहते हैं देवप्रयाग, और इसी के बाद इसको इस नदी को कहा जाता है गंगा। तो इसके पहले दो जो नदियां हैं अलकनंदा और भागीरथी हैं, गंगा नहीं है, गंगा यहां से स्टार्ट हो रही है देवप्रयाग से, तो इस बात का ध्यान रखना, ये मैपिंग बार बार कर लेना आप लोग, ये हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। अब ये जो हाल फिलहाल में फ्लड आया है, डिजास्टर हुआ है, वो कहाँ हुआ है जरा वो समझिए। ये धौली गंगा नदी है जो अलकनंदा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, इस धौली गंगा ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है रायकीना ग्लेशियर से, और रायकीना ग्लेशियर से जुड़े हुए ही सटे हुए ही वसुंधरा तल है, यानी कि एक तरह का लेक है, विच इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड, जहाँ से ये धौली गंगा स्टार्ट होती है, वसुंधरा तल लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड, यहाँ से ये धौली गंगा स्टार्ट हो रही है। अभी धौली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, धौली गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा, इसी ऋषि गंगा के पास एक ग्लेशियर टूट के गिरा है, देखिए ये ऋषि गंगा के पास एक लैंडस्लाइड हुआ है, ग्लेशियर टूट के गिरा है, और ऋषि गंगा के नीचे एक नदी, एक विलेज है रैनी विलेज, रैनी विलेज में आया था फ्लैश फ्लड, तो ऋषि गंगा का पानी ऊपर चला गया, तो ऋषि गंगा का पानी ऊपर चला गया तो फिर ये धौली गंगा का पानी भी ऊपर गया, धौली गंगा का पानी ऊपर गया तो अलकनंदा का भी ऊपर गया,
तो ये सारे नाम याद रखना। और आपको एक बात और पता ही हो कि यमुना जाकर के जहां गंगा को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। पहले उसका नाम हुआ करता था इलाहाबाद, अब उसको कह दिया गया है प्रयागराज। तो ये सब नाम याद रखना, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आ सकता है। तो जो बातें आपको ध्यान रखनी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फरवरी 2021 में उत्तराखंड डिजास्टर आया, रैनी विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आ गया था। फ्लैश फ्लड क्यों आया? क्योंकि ग्लेशियर टूट करके ऋषि गंगा नदी में टूट करके गिर गया था। उसके अलावा इस इंफॉर्मेशन से ज़्यादा जरूरी है ये सारे डायग्राम्स, कौन सी नदी जब मिलती है तो क्या नाम होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 90 काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, वन स्टार टॉपिक है, यू नेवर नो, पूछ भी सकता है। देखिए, जर्मनी और रसिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया। रसिया, वैसे आपको एक बात तो जाननी चाहिए कि रसिया नेचुरल गैस या ऑयल में काफ़ी रिच है, तो वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए या ऑयल रिसोर्सेज की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिच है रसिया। तो रसिया से ऑलरेडी यहाँ बाल्टिक सी से होते हुए एक पाइपलाइन है जो जर्मनी को कनेक्ट होता है, उस पाइपलाइन का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। यह पाइपलाइन काफ़ी सालों से है जिसके थ्रू नेचुरल गैस रसिया सप्लाई करता है जर्मनी को, और फिर जर्मनी के थ्रू होते हुए पूरे यूरोप को ये नेचुरल गैस रसिया के थ्रू जाता है। अब ये नॉर्ड पाइपलाइन तो ऑलरेडी था, इसकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए दूसरा पाइपलाइन बनाया गया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जो अगेन फिर रसिया से होते हुए इस बाल्टिक सी से होते हुए फिर यहाँ पे जर्मनी तक आएगा। अभी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जब बन रहा था, बन के तैयार हो गया था, तो यूएस ने उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। उसने कहा कि हमारे काट्सा लॉ के हिसाब से, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, आप रसिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो काट्सा लॉ तो आपको पता ही होगा, यूएस का काट्सा लॉ कहता है कि रसिया के साथ या ईरान के साथ या नॉर्थ कोरिया के साथ अगर कोई कंट्री ट्रेड करेगा, ऑफकोर्स उसके भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, बट आप मोटा मोटा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखिए कि तीन देशों को काट्सा लॉ में रखा है यूएस ने सैंक्शंस लगा करके, रसिया, नॉर्थ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इनके साथ कोई ट्रेड करेगा तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पे धमकी दे रहा था बार बार यूएस कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, लेकिन अब उससे सैंक्शंस हटा लिए गए हैं। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से रिलेटेड जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, रसिया और जर्मनी के बीच में है, नेचुरल गैस सप्लाई करेगा थ्रू बाल्टिक सी, यूएस ने इसको थ्रेटन किया था अंदर काट्सा लॉ, और काट्सा लॉ में कौन से तीन देश हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए यूएस ने? रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 91 इज अबाउट इंपॉर्टेंट स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज़। तो तीन इंपॉर्टेंट स्कीम हैं, तीनों ही स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चलाती है। तो पहला स्कीम है नई रोशनी। नई रोशनी है माइनॉरिटी विमेन के लिए, उनके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलप की जाए और कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, इसके लिए है नई रोशनी। फिर है नई मंजिल। नई मंजिल में कैसा है कि जो भी माइनॉरिटी यूथ, जो भी माइनॉरिटी यूथ मान लीजिए कि स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, यानी कि जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ऐसे इनफॉर्मल जगहों से पढ़े, मदरसा वगैरह से, जहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, वैसे यूथ को अब स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और स्किल ट्रेनिंग दे करके उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रॉपर स्किलिंग का, जिसकी मदद से उनको जॉब मिल सके। ये जो नई मंजिल स्कीम है इसका 50% फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आता है। उसके अलावा नई उड़ान। नई उड़ान जो है इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मदद किया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए, अगर उन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 92 इज़ अबाउट यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया। 3 स्टार टॉपिक है। देखिए, धेकिया जूली इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे विजिट किया और फिर वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया रिगार्डिंग यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने कहा कि तिलेश्वरी बरुआ इस परहैप्स द यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया। इसलिए धेकिया जूली काफ़ी न्यूज़ में था, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, 20 सितंबर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट तो पूरे इंडिया में चल ही रहा था, असम के अंदर भी क्विट इंडिया मूवमेंट में कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे एक स्क्वाड काफ़ी फंक्शनल था जिसका नाम था मृत्यु वाहिनी,
और उस स्क्वाड में काफ़ी सारे विमेन चिल्ड्रन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो अलग अलग जो थाने थे, पुलिस थाने थे जो उस टाइम में ब्रिटिश ऑफिसर्स वहाँ हुआ करते थे, उन पुलिस थानों पे जाकर के वो तिरंगा लहराने का काम कर रहे थे, क्योंकि जो भी पुलिस स्टेशन हुआ करता था दैट वॉज सिम्बल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो वहाँ पर तिरंगा लहराने का मतलब है टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। तो ये चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, मृत्यु वाहिनी आसाम के अंदर काफ़ी जोरों शोरों से लेकर के चल रही थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट को। 20 सितंबर 1942 की बात है, दो अलग अलग इंसिडेंट हुए। गोहपुर पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें कनक लता बरुआ जी की डेथ हो गई, गोहपुर पुलिस स्टेशन, एंड सी डाइड एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। देखियाजुली में गोलीबारी हुई देखियाजुली में, और वहाँ पे तिलेश्वरी बरुआ जी की डेथ हो गई एंड सी वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड। तो इसी कारण से माना जाता है कि तिलेश्वरी बरुआ द यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया। हाँ, वो बात अलग है कि ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उड़ीसा के भी एक दो लोग हैं जिनको बोला जाता है यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया, लेकिन आपके एपीएससी एग्जाम में अगर आप आता है तो आप तिलेश्वरी बरुआ टिक कर देना, यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया, 12 ईयर ओल्ड, देखियाजुली में सी वॉज शॉट डेड। जो बातें आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, क्विट इंडिया मूवमेंट इन आसाम में मृत्यु वाहिनी, डेथ स्क्वाड काफ़ी फंक्शनल था, 20 सितंबर, ये डेट याद रखना, 1942, दो इंसिडेंट हुए, कनकलता बरुआ शॉट एट द एज ऑफ 17 एट गोहपुर पुलिस स्टेशन, तिलेश्वरी बरुआ शॉट एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, मर्टायर, यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया एट देखियाजुली। तो एक बुक लिखी गई है देखियाजुली 1942 द अनटोल्ड स्टोरी। इस बुक के हिसाब से तिलेश्वरी बरुआ इज द यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया, ये बुक इसी साल रिलीज हुई है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखियाजुली 1942 अनटोल्ड स्टोरी, तिलेश्वरी बरुआ यंगेस्ट मर्टायर ऑफ इंडिया। ये जो बुक है देखियाजुली 1942 द अनटोल्ड स्टोरी, इट हैज़ बीन रिटन बाय समुद्र गुप्त कश्यप हु इज करेंट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ आसाम। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 93 इज अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, प्रिंसिपल ऑर्गन तो नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड एक बॉडी है। इट वॉज इस्टैब्लिश इन 2006, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कराने के लिए इसको इस्टैब्लिश किया गया था। इसके टोटल 47 मेंबर कंट्रीज होते हैं एक बार में, और एक कंट्री को 3 साल के लिए इलेक्ट करके भेजा जाता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और कोई भी कंट्री मैक्सिमम 2 कंजेक्यूटिव टर्म्स तक रह सकती है, मतलब 6 सालों तक रह सकती है, उसके बाद उसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपना पोस्ट खाली करना होता है, पोजिशन खाली करना होता है। और इसके जो सेशंस होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, दैट इज हेल्ड एट इट्स जिनेवा ऑफिस इन स्विट्जरलैंड। यूएन का जो जिनेवा ऑफिस है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे इसके काउंसिल के सेशंस होते हैं। तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान में रखनी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इस्टैब्लिश इन 2006, 47 मेंबर्स एट ए टाइम, 3 ईयर का टर्म होता है, मैक्सिमम 2 कंजेक्यूटिव टर्म होल्ड कर सकता है कोई कंट्री, हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके जो रिजोल्यूशंस होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, तो नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशंस होते हैं। हाल फिलहाल में इंडिया भी इसका मेंबर है, 2019 से 2022 तक 3 साल का मेंबरशिप इंडिया अभी इंजॉय कर रहा है। इसके पहले इंडिया ऑलरेडी मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, 2011 से 14 तक, फिर 14 से 17 तक। तो 2 कंजिक्यूटिव टर्म रखने के बाद 17 के बाद इंडिया को खाली करना पड़ा, फिर 19 से 22 तक इंडिया ने मेंबरशिप ले ली है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 94 इज अबाउट आइंस्टीनियम मेटल। तो आइंस्टीनियम मेटल भी न्यूज़ में था इस साल, आइंस्टीनियम मेटल का एटॉमिक नंबर होता है 99। आइंस्टीनियम मेटल नेचुरली काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है, काफ़ी ट्रेसेस में मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है तो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आइंस्टीनियम मेटल को लेकर के कुछ भी नॉलेज नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत कम ट्रेसेस में मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ट्रेसेस में मिलता है। ये हमें लार्जर अमाउंट में पहली बार कब मिला था, फ्रॉम द डेब्रिस ऑफ आईवी माइक बॉम्ब। तो आईवी माइक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आईवी माइक ये कोड नेम था पहला टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम का पहले अंतर समझ लो। एटॉमिक बम में कैसा होता है कि न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाता है 2 पार्ट में, तो वो होता है एटॉमिक बम उसको कहते हैं। और हाइड्रोजन बम में 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को फ्यूज कराया जाता है, उसको हाइड्रोजन बम कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो अमेरिका ने क्या किया कि एक जगह है मार्शल आइलैंड, सेंट्रल पैसिफिक एरिया है, मार्शल आइलैंड,
वहाँ पे उसने एक टेस्ट कंडक्ट कराया फ्यूजन रिएक्शन का, पहला फ्यूजन रिएक्शन का टेस्ट कराया अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पे, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट भी कह सकते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेस्ट भी कह सकते हैं, जो पहला अमेरिका ने कराया मार्शल आइलैंड पे। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जब सक्सेसफुल तरीके से हो गया मार्शल आइलैंड पे, तो उसके बाद इसके डेब्रिस से जो बचा हुआ मलबा था उससे हमें आइंस्टीनियम मेटल मिले कई सारे, और उस आइंस्टीनियम मेटल को हम स्टडी कर रहे थे। हाल फिलहाल में न्यूज़ यही है कि आइंस्टीनियम मेटल को लेकर के तो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक था नहीं, क्योंकि आइंस्टीनियम मेटल बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और इसी कारण से नेचुरली काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है, ट्रेसेस में मिलता है, और इसी कारण से कोई खास नॉलेज था नहीं। लेकिन अब एक बर्कले लैब है जिसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल दिए थे इस आइंस्टीनियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आइंस्टीनियम मेटल के बारे में ब्रीफली समझ लो। ये भी समझ लो कि आइंस्टीनियम जो नाम दिया गया है दैट हैज़ बीन गिवन आफ्टर नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये जो मेटल है आइंस्टीनियम, नॉर्मली तो देखो नेचुरल अमाउंट में तो नेचुरली तो बहुत कम मिलता है, ट्रेसेस में मिलता है। जो हमें मिला था ज़्यादातर वो आईवी माइक के एक्सप्लोजन के बाद हमें सिंथेटिक तरीके से मिला था। नेचुरली होता है लेकिन बहुत ट्रेसेस में, इसलिए नेकेड आई से नहीं दिखता एंड इट इज़ हाईली रेडियो एक्टिव। तो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, आइंस्टीनियम एटॉमिक नंबर 99, नेचुरली फाउंड इन ट्रेसेस, हाईली रेडियो एक्टिव, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। फाउंड इन आईवी माइक डेब्रिस। आईवी माइक क्या है, फर्स्ट फुल स्केल न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्ट कहाँ कराया गया, मार्शल आइलैंड पे, जो सेंट्रल पैसिफिक में है, 1952 में कराया यूएस ने। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 95, 3-स्टार टॉपिक, रीजनल स्टार्टअप इंक्यूबेशन। तो ध्यान से समझिए, इंक्यूबेशन का पहले मतलब समझ लीजिए, इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स वो सेंटर होते हैं जो अपने एरिया के आसपास के स्टार्टअप्स की मदद करते हैं, नई नई कंपनियों की मदद करते हैं। इंक्यूबेटर्स या इंक्यूबेशन सेंटर्स सरकारें खोलती हैं ताकि जो आसपास की स्टार्टअप्स हैं वो उनसे जाकर के मदद ले सके कि सर ये टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, सर जगह नहीं मिल रहा है, सर फंडिंग नहीं मिल रही। तो इंक्यूबेटर्स का काम होता है आसपास के स्टार्टअप्स की मदद करना, और आसाम सरकार ने 2019 में एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला था गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी के आमगुरी एरिया में, अंबाबारी एरिया में गुवाहाटी के, और उस इंक्यूबेशन सेंटर का नाम रखा था द नेस्ट। तो ये तो 2 साल पुरानी बात है कि द नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया अंबाबारी एरिया में इन गुवाहाटी। अभी करंट न्यूज़ ये है कि 3 और इंक्यूबेशन सेंटर, छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर, इसलिए उनको बोला जा रहा है नैनो इंक्यूबेशन सेंटर, खोले गए हैं कचार में, डिब्रूगढ़ में और कोकराझार में। जो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, मेन जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर है हमारे असम का वो है अंबाबारी एरिया में इन गुवाहाटी, और उसका नाम है द नेस्ट। इसको 2019 में बनाया गया था। हाल फिलहाल में 3 नैनो इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं डिब्रूगढ़ में, कचार में और कोकराझार में। ये इंक्यूबेटर सेंटर्स कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 96, पीस क्लॉज इन WTO, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वैसे तो आसाम रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है APSC में आना चाहिए, थोड़ा लंबा भी है तो ध्यान से समझिए। WTO तो आपको पता ही है, कल ही मैंने आपको बताया, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड दैट डिसाइड्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म्स। तो अब WTO के अंदर कई सारे बेसिक अग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के जो अग्रीमेंट है उसको कहते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी तरीके का एक अग्रीमेंट है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, विच इज़ पार्ट ऑफ जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में वैसे तो कई सारी बातें हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर सब्सिडी को एलिमिनेट करना, कि जो भी देश अपने यहाँ पे अपने फार्मर्स को या प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देते हैं उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि सब्सिडी से कैसा होता है, ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी को 3 भाग में पहले WTO में बांटा गया, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो पैसा जो सरकारें देती हैं अपने यहाँ पे फार्मर्स को या फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए, अपनी ओवरऑल फार्मिंग अप्रोच को अपग्रेड करने के लिए टेक्निकली, उस पैसे को कहा जाता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। द रिसर्च फंडिंग या फिर टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए जो पैसा दिया जाता है दैट इज़ नोन एज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एंड इट इज़ अलाउड बाय WTO, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। फिर है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ देता है, ध्यान से समझिए। इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी। प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी में कैसा होता है कि कुछ सरकारें
अपने किसानों को ऐसे ही पैसा दे देती हैं कि अच्छा तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है तो इतने पैसे ले लो, तुम्हारे 100 गाय हैं तो इतने पैसे ले लो, मतलब सब्सिडी ऑन द बेसिस ऑफ एकर ऑफ लैंड या फिर ऑन द नंबर ऑफ कैटल्स। इससे होता क्या है कि फार्मर्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने से। इट इज़ दैट इज़ वाई नोन एज प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, कि भाई तुम ज़्यादा प्रोड्यूस मत करो, लिमिटेड प्रोड्यूस करो। और इसको कहा जाता है प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, इट कम्स अंडर ब्लू बॉक्स। बहुत दुनिया के कम ही ऐसे देश हैं जो इस तरह के प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी देते हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्वे, आइसलैंड, स्लोवेनिया। और प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी के पीछे जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि सर ये हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे फार्मर्स को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज फार्मर्स अगर देखिए बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा दूध निकालने में लगा रहेगा मान लीजिए गाय से, तो फिर गाय की रेयरिंग कब करेगा उनको, और उनका हाइब्रिड का, उनकी ब्रीड को कब डेवलप करेगा। सो दैट इज़ वाई वी फोकस ऑन प्रोडक्शन लिमिटिंग, सो दैट ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव्स। तो ठीक है, ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी में डाल दिया गया और ये भी अलाउ कर दिया गया। काफ़ी चतुराई से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अपने अपने यहाँ पे जो सब्सिडी देते थे उसको उन्होंने अप्रूव करा दिया, नॉन डिस्टॉर्टिंग में डलवा दिया। और जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जिस तरह की सब्सिडी देते थे, जैसे इनपुट सब्सिडी, फर्टिलाइजर सस्ता करा दिया, सीड सस्ता करा दिया, उसको एम्बर बॉक्स में डाल दिया। या फिर MSP, जो हम किसानों से फूड ग्रेन खरीदते हैं एट ए प्री डिटरमाइंड रेट, हमारी सरकार खरीदती है MSP को, या फिर इनपुट सब्सिडी जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सब्सिडी, इसको डाल दिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी में। और इसको बोला गया कि भाई ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, इसको आपको लिमिट करना है, इसको आपको कट डाउन करना है। अब इस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। स्टार्टिंग में तो हमने साइन कर दिया, हमें समझ नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा ये तो डेवलप कंट्री जो सब्सिडी देते हैं वो तो सब या तो ब्लू में चला गया, नहीं तो ग्रीन में चला गया, और हमारा वाला सब आ गया एम्बर में। तो ये नियम रख दिया गया था कि हमें ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कट डाउन करना है। और एम्बर बॉक्स सब्सिडी के लिए क्या टारगेट रखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो बस 5% तक एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं ऑफ द टोटल प्रोडक्शन दैट दे डिड इन 86, 87, 88। तो ये 3 साल 86, 87, 88 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन्स का, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी उसका बस 5% सब्सिडी दे सकते हैं एम्बर बॉक्स की तरह डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्री 10% दे सकते हैं। तो बोले ये बड़ा समस्या वाली बात हो गई कि भाई तुम तो एम्बर बॉक्स में खाली 5% दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो 5% है वो हमारे 10% से ज़्यादा है, मतलब तुम एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी ज़्यादा दे सकते हो, उसके अलावा तुम ग्रीन बॉक्स खूब देते हो, ब्लू बॉक्स खूब देते हो, और हम तो वो दे नहीं सकते क्योंकि उतना अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये सब कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में WTO के अंदर। और फिर बाली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो आपको बात पता होनी चाहिए कि WTO के अंदर हर 2 साल पे मीटिंग होती है जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं WTO के। बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके लीडरशिप में बाली में हमें पीस क्लॉज मिला कि ठीक है भाई आपको कोई टोकेगा नहीं कि आप कब करेंगे, कब पूरा करेंगे ये टारगेट 10% से सब्सिडी कब अंदर लेकर के आएंगे डीमिनिमस लेवल का, उसके लिए हमको पीस क्लॉज मिल गया 4 साल के लिए 2017 तक। ठीक है, बीच में फिर हमने अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का लीडर है और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ का लीडर है, तो हमें अमेरिका को कन्विंस करना था कि भाई हमारे लिए जो सब्सिडी है ये एम्बर बॉक्स वाला, इसको थोड़ा सा अलाउ कर दो 2017 के बाद के लिए भी, कि हम बाद में भी इसको सब्सिडी दे सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये फूड सिक्योरिटी का सवाल है। अगर हम MSP नहीं करेंगे तो लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कराएंगे, हमारे यहाँ पे लाइवलीहुड का सवाल है, अगर हम फार्मर्स को सस्ते दाम पे फर्टिलाइजर नहीं कराएंगे तो फार्मर एग्रीकल्चर कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए WTO की एक स्पेशल काउंसिल बुलाई गई, एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई 2014 में, कोई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नहीं था लेकिन एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई इंडिया के रिक्वेस्ट पे, US ने भी पार्टिसिपेट किया, और इंडिया ने एक बात कही, इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के बिहाफ पे एक प्रपोजल रखा कि सर देखो सिंगापुर राउंड से, यानी कि जो पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था सिंगापुर राउंड, पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 से, तब से आप डिमांड कर रहे हो कि एक अग्रीमेंट साइन कर दो, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट में कैसा है कि हमें अपने यहाँ का जो पोर्ट एरिया है, पोर्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काफ़ी अच्छा करना होगा, डिजिटलाइज करना होगा, उससे कैसा है कि ट्रेड स्मूथली हो सकेगा, क्लियरेंसेस जल्दी मिल सकेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत पहले से चाह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन कर दें, इससे जब उनका पोर्ट क्लियरेंसेस जल्दी होगा तो आराम से डेवलप्ड कंट्रीज़ के माल सामान डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिकेंगे और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। तो काफ़ी दिनों से ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट डिमांड कर रहे हैं डेवलप
कंट्रीज फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से ही। तो इंडिया ने प्रपोजल रखा डेवलपिंग कंट्रीज़ के बिहाफ पे कि ठीक है सर हम साइन कर देंगे ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, लेकिन उसके बदले में हमें ये पीस क्लॉज जो है वो परमानेंट पीस क्लॉज दे दो कि परमानेंट हमें नहीं करना है, जब हमको करना होगा आराम से करेंगे लेकिन विदाउट एनी डेडलाइन। तो देखो बाली में जो पीस क्लॉज मिला था दैट वाज विद अ डेडलाइन 2017 का। हमने कहा कि सर देखो TFA साइन कर देंगे ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जिससे आपको फ़ायदा होगा डेवलप कंट्रीज़ को, बराक ओबामा उस टाइम में US प्रेसिडेंट थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें परमानेंट पीस क्लॉज दे दो। तो इन्होंने कहा ठीक है ले लो परमानेंट पीस क्लॉज। तो इस तरह से एक सेटलमेंट हो गया। अब पीस क्लॉज हमने साइन कर लिया, परमानेंट पीस क्लॉज मिल गया, लेकिन फिर हुआ क्या कि 2017 में जब हम 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ब्यूनस एरेस में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं परमानेंट तो नहीं हो सकता, ओबामा ने जो साइन किया वो गलत है। आपको तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी पॉलिसी को पलटने का कसम खा रखा था, वो लग नहीं ओबामा वाला नहीं मानेंगे आपको, कहीं ना कहीं तो परमानेंट तो पीस क्लॉज नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो आपको बात माननी होगी। तो इंडिया के लिए बड़ा सदमा था, बोले यार ये तो चीटिंग है, हमने तो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट भी साइन कर दिया तुम्हारे लिए और हमने कहा कि हमें परमानेंट पीस क्लॉज दे दो, अब तुम कह रहे हो कि नहीं परमानेंट नहीं हो सकता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बताओ कब करोगे। तो इस तरीके से दैट वॉज शॉकिंग फॉर इंडिया, राइट। तो पूरा मुद्दा ये है, एक बार फिर समझ लो कि जो पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था सिंगापुर वाला 1996 में, वहाँ पे प्रपोज किया गया था ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला था, डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो मार्केट को आराम से कैप्चर कर सकते थे, लेकिन इसको लटकाया जा रहा था। फिर बाली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे हमने एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे ले लिया पीस क्लॉज, लेकिन सिर्फ 4 सालों के लिए 2017 तक। लेकिन बीच में ही 2014 में ही मोदी जी ने दिमाग लगाया, मिले ओबामा से, बोले कि हमें परमानेंट पीस क्लॉज दे दो, उसके बदले में TFA साइन कर देंगे, सब हो गया। फिर 2017 में नैरोबी में जब मिले 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, कोई दिक्कत नहीं था, परमानेंट पीस क्लॉज लेके पहुंचे थे, कोई दिक्कत नहीं था। 2017 में जब पहुंचे ब्यूनस एरेस में, तो ट्रंप था, ट्रंप लीडर था अमेरिका का, और अमेरिका ने हरास करना शुरू किया कि नहीं पीस क्लॉज परमानेंट नहीं हो सकता। तो इंडिया ने तो ऑलरेडी ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट दे रखा था और अब वो कह रहे हैं कि नहीं परमानेंट नहीं हो सकता, हम उसको चेंज करेंगे। तो इस कारण से 2017 के बाद से इंडिया के लिए हेडेक बढ़ गया था कि ट्रंप जो रहेगा तो फिर अगले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में तकलीफ देगा। किस्मत अच्छी कही है इस मामले में कि अगला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना था 2019 में, किसी कारण से 6-8 महीने लेट हो गया, क्योंकि हर 2 साल पर होता है, तो 2017 के बाद 2019 में होने वाला था, 6-8 महीने के लिए लेट हो गया, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में होने वाला था। तो फिर कहा गया कि चलिए मई 2020 में मिला जाएगा नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, दैट विल बी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। फिर आ गया कोरोना, तो 2020 में तो हो नहीं पाया। फिर बोला गया 2021 में जून में मिला जाएगा नूर सुल्तान कजाकिस्तान में, फिर कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। तो अब दुनिया के देशों ने फैसला लिया कि नूर सुल्तान में मिलेंगे ही नहीं, मनुष्यत वाली जगह है, अब हम मिलेंगे, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा हमारा जेनेवा में इन स्विट्जरलैंड दिसंबर में, क्योंकि यहाँ इसके चक्कर में रहेंगे तो कभी हो ही नहीं पाएगा। अब जेनेवा में देखिए क्या होता है, नो वन नोज। अब जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात कहते हैं कि नहीं नहीं परमानेंट पीस क्लॉज नहीं हो सकता, या फिर वो ओबामा वाली बात कहेंगे, वो देखना होगा। उम्मीद है कि ओबामा वाली बात कहेंगे, सेंसिबल हैं तो परमानेंट पीस क्लॉज को रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो देखना होगा। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें याद रखनी है, WTO का फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर 1996, यहाँ पे प्रपोज किया गया था ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। अगला जो होने वाला है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जेनेवा में होने वाला है 2021 दिसंबर में। अगर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ग्रीन बॉक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ब्लू बॉक्स प्रोडक्शन लिमिटिंग के लिए, एम्बर बॉक्स ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी या MSP, एम्बर बॉक्स को कट डाउन करना है डेवलप कंट्रीज़ को 5% तक ऑफ द डी मिनिमस लेवल एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को 10% तक। पीस क्लॉज हमने ले लिया था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ बाली में 9th, लेकिन उसको हमने एक्सटेंड करा दिया परमानेंट पीस क्लॉज में इन 2014। फिर 2017 में ट्रंप ने कहा कि नहीं परमानेंट नहीं हो सकता। अब 2021 में जो जिनेवा में होने वाला है उसमें देखना होगा कि क्या होगा। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PT में फिर भी कुछ ना कुछ सवाल तो बन ही सकता है। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 97 इज अबाउट कोच राजबोंगशी कमिटी, अ कम्युनिटी, 3-स्टार टॉपिक। ये कम्युनिटी इस साल बहुत न्यूज में था इलेक्शन से पहले, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज इन कम्युनिटीज़ को लुभाना चाह रहे थे।
ये कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते हैं ज़्यादातर? तो देखो, ये कम्युनिटी के लोग लोअर असम में इस एरिया में या फिर नॉर्थ बंगाल वाले इस एरिया में रहते हैं। तो इसी कारण से, और बंगाल में भी इलेक्शन था, असम में भी इलेक्शन था, इसलिए इस कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया था, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो इस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं कमाता किंगडम को। कमाता किंगडम 1257 से लेकर के 1587 तक था। कमाता किंगडम हैड रिप्लेस्ड कामरूपा किंगडम इन 1257 एंड दे देमसेल्व्स वेयर रिप्लेस्ड बाय कोच बिहार किंगडम एंड कोच हाजो किंगडम इन 1587। तो ये लगभग 330 सालों तक थे। पहले इन्होंने कामरूप किंगडम को हटाया कमाता वाले, और बाद में इनको हटा करके कोच बिहार और कोच हाजो आ गए। लेकिन इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, दे आर नोन एज कोच राजवंशी कम्युनिटी। इनके मेन तीन ही डिमांड है। पहला डिमांड है कि हमें सेपरेट कमातापुर स्टेट दे दिया जाए, नॉर्थ बंगाल वाला एरिया और लोअर असम वाला एरिया हमें दे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक मिलिटेंट आउटफिट भी बना लिया था कुछ लोगों ने, कमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक वैसे ही जैसे NDFB है, वैसे इन्होंने कमातापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था सेपरेट स्टेट के लिए। अब इसके डिमांड में, सेपरेट स्टेट के डिमांड में इनको मिला क्या है? ऑटोनोमस काउंसिल। मांगा है सेपरेट स्टेट, ठीक वैसे ही जैसे बोडोलैंड एरिया के लिए ऑटोनोमस काउंसिल दिया गया है, ठीक वैसे ही कमातापुर एरिया के लिए इन लोगों के डिमांड पे कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल दिया गया है। लेकिन ध्यान से समझो, जो बोडोलैंड वाला ऑटोनोमस काउंसिल है BTAD, दैट इज अंडर 6th शेड्यूल, जबकि ये जो ऑटोनोमस काउंसिल है दैट इज नॉट अंडर 6th शेड्यूल, इट इज अंडर एन एक्ट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, दैट इज कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल एक्ट 2020। तो इसके हिसाब से इनको ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का पावर दिया गया है। ये एक्ट पिछले साल ही लाया गया था 2020 में। उसके अलावा दूसरा डिमांड है कि इनको ST स्टेटस दे दिया जाए। ST स्टेटस को लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। BJP के प्रेसिडेंट JP नड्डा ने कह दिया कि ST स्टेटस तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जबकि फॉर्मली इनको अभी तक मिला नहीं है, पेपर पे अभी तक मिला नहीं है। तो ST स्टेटस को लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस साल। एक और इनकी इंपॉर्टेंट डिमांड है कोच राजवंशी कम्युनिटी के लोगों की, कि सर देखो, कोच बिहार जो आर्मी थी उसके किंग थे नर नारायण, उनकी एक आर्मी हुआ करती थी, कोच बिहार किंगडम के किंग नर नारायण की एक आर्मी हुआ करती थी, नारायणी आर्मी। तो नारायणी आर्मी के ही लाइन पे या उसके नाम को इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट बनाया जाए, नारायणी रेजिमेंट। जैसे आप देखते हैं ना, इंडियन आर्मी में कई सारे रेजिमेंट हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट वगैरह, गोरखा रेजिमेंट, वैसे ही ये डिमांड कर रहे हैं कोच राजवंशी कम्युनिटी के लोग कि एक नारायणी रेजिमेंट बनाया जाए इंडियन आर्मी में। PT पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, कोच राजवंशी कम्युनिटी के लोग कहाँ रहते हैं? ये देखो, नॉर्थ बंगाल में या लोअर असम में, एंड कमाता किंगडम को बिलोंग करते थे, दैट रिप्लेस्ड कामरूप किंगडम एंड इट वॉज इट सेल्फ रिप्लेस्ड बाई कूच बिहार किंगडम इन 1587। मेन डिमांड क्या है? सेपरेट कमातापुर स्टेट। मिला क्या है? कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल, बट नॉट अंडर शेड्यूल 6, मिला है अंडर कमातापुर ऑटोनोमस काउंसिल एक्ट ऑफ 2020। दूसरा डिमांड है ST स्टेटस का, तीसरा डिमांड है नारायणी रेजिमेंट का। नारायणी सेना, इट बिलोंग टू द फर्स्ट कोच किंग नर नारायण हु रूल्ड इन 16th सेंचुरी। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 98 इज अबाउट इम्पीचमेंट ऑफ ट्रंप। तो देखो, कैपिटल हिल एक जगह है, जैसे कैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक है, भारत सरकार का सीट या भारत सरकार की ऑफिस जहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह का ऑफिस हुआ करता है, वैसे ही कैपिटल हिल जगह है जो US सरकार का ऑफिस हुआ करता है, US गवर्नमेंट का ऑफिस हुआ करता है। और ट्रंप जब इलेक्शन हार गए तो कैपिटल हिल पे ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया। आपने देख रखा होगा जनवरी में आसपास ये चल रहा था, 5-6 जनवरी को, कि ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे अटैक कर दिया। तो उसके बाद फैसला लिया गया कि ट्रंप तो ऑलरेडी हार चुके थे, प्रेसिडेंट से पोस्ट से हट चुके थे, जो बिडेन बन गए थे प्रेसिडेंट। फिर फैसला लिया गया कि ट्रंप को इम्पीच किया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जब ट्रंप को इम्पीच करने की बात चली तो फिर सवाल ये भी उठा कि सर ट्रंप तो ऑलरेडी हट चुके हैं, अब उसको इम्पीच करके क्या फ़ायदा? तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर US के सेनेट ने एग्जाम्पल दिया इंडिया के ब्रिटिशर्स टाइम के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग का, कि भाई देखो, वॉरेन हेस्टिंग भी जब पोस्ट से अपने हट गया था तब उसको इम्पीच किया गया था। तो ठीक वैसे ही ट्रंप भी अपने पोस्ट से हटने के बाद इम्पीच किए जा सकते हैं। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग का जिक्र हुआ था US के सेनेट में। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा लेकिन करंट अफेयर्स भी हो जाते हैं। तो समझिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। फर्स्ट वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, रिमेंड गवर्नर जनरल फ्रॉम 1772-1785। इनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आफ्टर ही लेफ्ट ऑफिस
टू ईयर्स आफ्टर ही लेफ्ट ऑफिस. क्यों? बिकॉज ऑफ करप्शन, ब्राइबरी वगैरह के केसेस थे, लोगों के साथ मिसट्रीटमेंट के केसेस थे. अल्टीमेटली इनको इम्पीच भी कर दिया गया था, लेकिन उस इम्पीचमेंट के बाद में 8 साल बाद इनको अक्विट भी कर दिया गया उस इम्पीचमेंट से, मतलब बाइज्जत बरी भी कर दिया गया. तो पहले इम्पीच हुए, बाद में अक्विट भी हुए. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में आया है, ट्रंप के इम्पीचमेंट के बाद. तो कैपिटल हिल अटैक हुआ, ट्रंप ऑलरेडी हट चुके थे, उसके बाद कैपिटल हिल अटैक हुआ. कैपिटल हिल इज़ द सीट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट. तो फिर इम्पीचमेंट प्रोसेस टू रिमूव ट्रंप स्टार्ट हुआ. तो फिर बात हुई कि ट्रंप तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट नहीं है, तो जस्टिफिकेशन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम दिया गया. वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल 1772-85, इम्पीचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन आफ्टर ही लेफ्ट ऑफिस, ही इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली गवर्नर जनरल टू बी इम्पीच्ड. यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर आगे चलें. बर्ड सेंसस इन काजीरंगा, 3-स्टार टॉपिक, बर्ड्स की गिनती काजीरंगा में कराई गई, हर साल कराई जाती है, 2018 से ये प्रोसेस किया जाता है, हर साल काजीरंगा में बर्ड्स की सेंसस कराई जाती है. और ये जो बर्ड सेंसस है काजीरंगा के अंदर, ये हमारे स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे स्टेट की एक काफ़ी पॉपुलर एनजीओ है आर्यनक, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में काम करती है, उसके साथ मिल करके ये बर्ड सेंसस कराया था. तो 2018 से ये बर्ड सेंसस करा रहे हैं. जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पता चली कि बर्ड सेंसस 2019 में काजीरंगा के अंदर 34,000 बर्ड्स पाए गए थे, मतलब पिछले साल के सेंसस में 34,000 बर्ड्स पाए गए थे, लेकिन एक साल में ही दिस ईयर 2021 में बर्ड सेंसस में 93,000 बर्ड्स पाए गए हैं. सो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीमेंट ऑफ अबाउट 175% बर्ड्स. देखिए ये 2020 में कितने बर्ड्स देखे गए, 34,000 2020 में, 2021 में 93,000, तो इंक्रीमेंट ऑफ अबाउट 175%. उसके अलावा हमारे स्टेट आसाम के अंदर टोटल 820 टाइप्स के बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई आसाम हैज हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी इन इंटायर इंडिया. इंडिया में टोटल 1200 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, उसमें से 820 तो अकेले आसाम में पाए जाते हैं. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, 2018 से ही बर्ड सेंसस हो रहा है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर कराता है एनजीओ आर्यनक के साथ. काजीरंगा के अंदर जब बर्ड सेंसस हुआ तो 175% का राइज पाया गया. असम के काजीरंगा में अकेले 112 तरह के बर्ड स्पीसीज पाए गए. असम के अंदर हाईएस्ट बर्ड डाइवर्सिटी है, 820 आउट ऑफ 1200 बर्ड्स आर फाउंड इन असम अलोन. उसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 की, ये पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, जिसमें ये सब डाटा था कि किस स्टेट में कितनी बर्ड डाइवर्सिटी है. तो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020, जिसमें डाटा था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया. कहाँ रिलीज़ किया वो भी इम्पोर्टेंट है. तो पिछले साल 2020 जनवरी में हमारे यहाँ पे, हमारे देश के अंदर गांधीनगर गुजरात में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. इसके हर साल एक मीटिंग होती है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. और इस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसकी मीटिंग हो रही थी वर्ल्ड कंट्रीज़ की 30th मीटिंग, जिसको कहा गया 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात. और इसी ओकेजन पे हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 पब्लिश किया. तो वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें हर साल दुनिया के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मिलते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 हुआ है गांधीनगर गुजरात में, और वहाँ पे स्टेट ऑफ बर्ड 2020 रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया कि आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा बर्ड डाइवर्सिटी है. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 100 इज अबाउट ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर, 3-स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये का ग्रांट इन एड दिया था ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें. तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में समझते हैं. ये नामरूप में ये फैक्ट्री है, PSU है, सरकारी कंपनी है, दैट फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर. क्या बनाती है? यूरिया बनाती है. इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज़ फर्स्ट गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया. हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 100 करोड़ का ग्रांट दिया है भारत सरकार ने, ताकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3.9 लाख मेट्रिक टन पर एनम तक मीट कर पाए. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. तो आज का ये लास्ट टॉपिक है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कल 101st टॉपिक से स्टार्ट करेंगे.
थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।